जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आपको शैलो के जो विभिन्न भेद हैं, अलग अलग प्रकार की जो चट्टान है उस चट्टान के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे चट्टान को तीन वर्ग में विभाजित किया गया है। एक जो है आग्नेय चट्टान है, दूसरा अवसादी चट्टान है, तीसरा कायांत्रित चट्टान है। और यह चट्टान के बारे में डिफिनेशन में आपको लिखना है, जैसे कि आप थर्ड पार्ट के जो प्रैक्टिकल देखते हैं, थर्ड पार्ट के प्रैक्टिकल में जो थर्ड यूनिट में है, तो यह देखिए। अब इसमें जो है कि हम पहले जो सबसे फर्स्ट टाइम जो आग्नेय चट्टान के बारे में बताने जा रहे हैं, तो देखिए आग्नेय चट्टान जो देख रहे हैं, जिसको आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। जैसे आग्नेय चट्टान को देखते हैं कि ओरिजिन होती है जब पृथ्वी तप्त अवस्था में थी और तरला अवस्था में थी, तो जब उसका जमाव हुआ यानी तप्त, जब वह ठंड होने लगी और जम के जब सॉलिड अवस्था में आया, तो उस जो प्रथम स्टेज जो आया वह आग्नेय चट्टान का यानी कठोर चट्टान के रूप में परिवर्तन हो गई जमने के बाद, उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। अथवा देखते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के समय जब लावा उत्सर्जित होती है, जब लावा अर्थ सरफेस से निकलती है, तो उस लावा के जब सरफेस पे आने के बाद या सरफेस के नीचे जब नीचे पे यानी जम जाती है, तो वहाँ जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और यही चट्टान को प्राथमिक शैल भी यानी प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और इसी चट्टान के क्षरण और रूप परिवर्तन से अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, जैसे देखते हैं कि जब वह ज्वालामुखी के उद्गार के समय जब लावा अर्थ सरफेस में जब ऊपर निकलने की प्रयास करती है, लेकिन ऊपर निकल नहीं पाती है, यानी उसमें जो स्पीड यानी जो होती है कि वाष्प की मात्रा कम होती है, जिसके कारण वह ऊपर नहीं निकल पाती है, तो सरफेस के नीचे ही वह जम जाती है। जब वह सॉलिड रूप में ले लेती है, तो उसको कहा जाता है अंतर्भेदी आग्नेय शैल यानी अंतर्भेदी आग्नेय शैल। और जब वह लावा का उद्गार होकर सरफेस के ऊपर चला आता है, सतह पे जब चला आता है और सतह पे जब निक्षेप होता है यानी सरफेस के ऊपर जब उसका निक्षेप होता है, तो उसको वहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अब देखिए, आग्नेय शैल जो होता है वह सबसे कठोर चट्टान होता है और वह अप्रवेश यानी उसमें जो होती है, देखिएगा कि जल की बूंद जो होती है कि उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, इसके कारण उस चट्टान को अप्रवेश शैल भी कहा जाता है। इस पे देखिएगा, यह आग्नेय शैल जो होती है उस पे रासायनिक अपक्षय यानी रासायनिक क्षरण जो होती है अपक्षय की प्रभाव लगभग 9 के बराबर होती है। आग्नेय शैल रबेदार तथा दानेदार होती है। जब आग्नेय यानी ज्वालामुखी से निकली हुई लावा जब सरफेस के ऊपर आके तेजी से जमती है, तो उसमें दानेदार यानी रबेदार की मात्रा लगभग 9 के बराबर होती है। लेकिन जब वही नीचे जब एक लंबी समय पे जमती है, तो उसमें रबे का मात्रा अधिक हो जाती है, इसके कारण वह दानेदार हो जाती है, उसमें दानेदार। और आग्नेय शैल तप्त तरल मैग्मा से बलती है, जिसके कारण इसमें फॉसिल्स का यानी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। अब वह शीतल की गति के ऊपर निर्भर करती है कि उसमें जो होगी वह रब यानी रबेदार यानी जो दानेदार जो देखते हैं महीन रबे होगी या मोटी रब। अब देखिए, एक चीज यह भी समझ लीजिए कि जब धरातल के नीचे तप्त तरल पदार्थ जब धरातल के नीचे होती है, तो उसको मैग्मा कहा जाता है। जब वह सरफेस के ऊपर चली आती है, तो उसी को लावा कहा जाता है।
और आगने चट्टान जो होती है लावा के निक्षेप से निर्मित चट्टान को आगने चट्टान कहा जाता है। अब देखिए आगने चट्टान का कुछ शैल है, जैसे देखते हैं ग्रेनाइटिक शैल, तो यह ग्रेनाइटिक शैल जो देखते हैं सर्वाधिक अम्लीय पतालीय शैल है, यानी सरफेस के नीचे जो देखते हैं यह सतह होता है, उस सतह के नीचे जब अंदर में ही जब लावा जो देखते हैं मैग्मा का जमाव हो जाती है तो वहाँ ग्रेनाइटिक शैल की उत्पत्ति होती है। इसके कारण इसके अम्लीय पतालीय शैल कहा जाता है। यह विशाल रूप के, यानी उसका फॉर्म जो होता है एक विशाल गुंबद के रूप में होता है, जिसके इसके कारण इसको विशाल स्वरूप के लिए भी जाना जाता है ग्रेनाइटिक चट्टान को। इसमें रासायनिक संयोजन तथा संरचना के अनुसार जो देखते हैं ग्रेनाइटिक रॉक्स की कई भेदे हैं, कई प्रकार के कई किस्में हैं, जिसमें देखते हैं हॉट ब्लैंड ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइट पिगमेटाइट, ग्रेनाइट पोर्फी प्यूमाइश ऑब्सीडियन तथा पीच स्टोन, यह सभी जो देखते हैं ग्रेनाइटिक चट्टान का ही किस्म है। ग्रेनाइट का रंग उसके खनिज के ऊपर, यानी उसमें जो खनिज जो होती है मिली हुई, तो खनिज के संयोजन के ऊपर उसका रंग और उसके ढांचा का अनुमान जो लगाई जाती है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। दूसरा देखिए होता है सीनाइट, सीनाइट जो होता है सीनाइट उप अम्लीय पतालीय शैल है, यह भी पतालीय शैल है लेकिन इसमें जो होता है अम्ल की मात्रा जो है ग्रेनाइट के अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण इसको उप अम्लीय शैल पतालीय शैल भी कहा जाता है। ग्रेनाइट देखने में तो सामान्य उसी के जैसा लगता है लेकिन इसमें जो खनिज की मात्रा होती है उससे इसकी भिन्नता में अंतर यानी अलग हो जाती है। जैसे देखते हैं कि इसमें अस्फटिक का अंश बिल्कुल भिन्न होता है, यानी जो ग्रेनाइट में अस्फटिक होती है और इसमें जो अस्फटिक होती है उसकी मात्रा में जो होती है अंश में भिन्नता होती है। इसमें ऑर्थोक्लास फेलेस्फर के साथ साथ सहायक खनिज जैसे एल्वा इट हॉर्नब्लेंड बायोटाइट तथा आगाइट आदि का होता है, या जब खनिज जो होती है उसकी प्रधानता होती है। विभिन्न प्रकार की सिलराइट भी उपलब्ध है, जिसमें हॉर्नब्लेंड सिलराइट नेफालाइट सिनाइट नेफाइट पोर्फी इत्यादि है। यह सभी देखे सिनाइट का जो अलग अलग जो किस्म है उसके जो है कि उसके बारे में था। अब देखिए कि डोलोराइट होता है, डोलोराइट भी आग्नेय शैल ही है। डोलोराइट मुख्यतः हॉर्न ब्लैंड तथा फेलेस्फर के संयोजक से बनती है, दोनों के जब सम्मिश्रण होती है तो उससे जो होता है हॉर्न ब्लैंड तथा फेलेस्फर के संयोजन से डोलोराइट की ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। कभी कभी इसमें ऑस्फटिक की अंश भी जो देखते हैं कि घट या बढ़ सकता है, खत्म भी हो सकती है। एल्डेसाइट डायोराइट का दामन स्वरूप है, डायोराइट जैसे देखते हैं इसका रंग जो होता है काले गहरे स्टेलिक स्टेल इस काले गहरे और स्लेटी कलर का होता है, गहरे भूरे हरे रंग का हो सकता है। और इसमें मैग्नीशियम खनिज के अंश के कारण इसके आपेक्षिक गुरुत्व गुरुत्व जो देखते हैं गुरुत्व बल जो 2.85 से 3.0 के मध्य होता है। अब देखिए गैब्रो, गैब्रो सेल में पाइरोक्सिल तथा लैब्राडोराइट की प्रधानता होती है, यानी गैब्रो भी जो है आग्नेय सेल है, इसमें पाइरोक्सिल तथा लैब्राडोराइट की प्रधानता होती है जो खनिज है, और इसमें महत्वपूर्ण गैब्रो शैल है, जैसे ओलिवाइन गैब्रो बेसाल्ट गैब्रो हॉर्नब्लेंड गैब्रो। इसके रंग जो होते हैं दानेदार किस्म के गहरी स्टील स्लेटी, गहरी स्लेटी हरी तथा काली होती है। इसका आपेक्षिक गुरुत्व जो होता है 3 से
3.3 के मध्य होता है। गैब्रो की जो गुरुत्व होती है, गुरुत्व बल जो होती है वह 3 से 3.3 के मध्य होता है। अब देखिए चौथा डोलेराइट, डोलेराइट भी जो है आग्नेय शैल ही है, आग्नेय शैल की चट्टान जिसमें देखते हैं डोलेराइट एक महीन कण से निर्मित आग्नेय शैल है जिसमें प्लेजियोक्लाइस तथा पाइरोक्सिन इसके मुख्य संघटक है। इसका रंग गहरा होता है तथा आपेक्षिक गुरुत्व जो होता है 2.64 से 3.14 के मध्य में होती है। तो यह देखे डोलेराइट भी जो है कि आग्नेय शैल ही है जिसमें क्या है प्लेजियोक्लास तथा पाइरोक्सिन इसके मुख्य संघटक होते हैं जो खनिज होती है। इसके अपेक्षा देखते हैं बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्टिक चट्टाने जो देखती है वह भी जो होता है कि आपको आग्नेय शैल ही है। यह अत्यंत महीन कणों से निर्मित प्रचलित ज्वालामुखी निर्मित आग्नेय शैल है जो देखिएगा कि सरफेस के ऊपर आके जब जितो निक्षेप होती है या काले रंग की होती है। इसके सामान्य संयोजक में कैल्सियो प्लेजियोक्लेज, अगाइट, ओलिवाइन, मैग्नेटाइट अथवा इलोमोनाइट है। इसका रंग स्लेटी से काले के मध्य होता है। इसका आपेक्षिक गुरुत्व जो देखते हैं 2.9 से 3.1 के मध्य होता है। जैसे आप जो देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो देखते हैं प्राचीनतम जितने भी स्टैचू जो ब्लैक स्टोन पे मिलता है वह बेसाल्ट रॉक्स का है जिसमें खास करके बुद्ध की मूर्ति आपको जगह जगह पे मिलती है। जैसे वैशाली में ही देखिए चेचर में है, वैशालीगढ़ के पास भी है। तो वह जो देखते हैं कि ब्लैक स्टोन पे होती है जो कि बेसाल्टिक रॉक्स का होता है। उसका क्षरण जो होती है कि बहुत नग्न होती है, लगभग 9 के बराबर होती है। बहुत सारी जो देखते हैं कि जो आपको अलग अलग जगह पे जो है बुद्ध की मूर्ति ही खास करके है, कुछ लोग बुद्ध के मूर्ति को ही उस पर पहलावा ओढ़ावा धारण करके और उसको महादेव के नाम पे पहचान करते हैं जो कि आप उसको बारीकी से पहचान करिएगा तो वह बुद्ध की मूर्ति के प्रतीक ही नजर आती है। और वह जो है कि बेसाल्ट रॉक्स का बना हुआ है जो ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान है। इसका क्षरण लगभग 9 के बराबर होती है। अगला देखिए पिग्मेटाइट है, पिग्मेटाइट है तो यह बृहद कार पतालीय शैल है। यह भी जो नीचे ही जमती है यह पतालीय शैल का एक सहायक होता है। इसमें अस्फटिक, माइका तथा फिलोस्फर के बड़े आकार के क्रिस्टल युक्त होता है। यानी इसमें क्या क्या चीज अस्फटिक है, माइका है, फिलोस्फर के बड़े आकार के क्रिस्टल युक्त होते हैं जो कि उसका अंश उसमें पाई जाती है। इसमें 90% पेगमाटाइट अस्फटिक, माइका अथवा फिलोस्फर के मेगमाटाइट होता है। कि संरचना इसमें दालेदार होता है। अगला देखिए कि जो है कि क्या है पेडायोराइट है। पेडायोराइट एक दानेदार चमकीली सतह वाली शैल होता है। यह भी जो है आग्नेय शैल ही है। इसमें अधिकांश ओलिवाइन खनिज की संघटक पाई जाती है। यानी इसमें क्या है ओलिवाइन खनिज जो होती है उसकी संघटक जो है पेडायोराइट में पाई जाती है। इसका रंग गहरे होते हैं जो हरे से काले रंग के मध्य के होता है, हरा और काला रंग के मध्य में होता है। इसकी आपेक्षिक गुरुत्व जो देखते हैं 3 से 3.3 के मध्य होता है। अब देखिए रायोलाइट है, यह एक ज्वालामुखी शैल है। यह भी एक ज्वालामुखी शैल है। इसमें अस्फटिक तथा ऑर्थोक्लेज के बड़े क्रिस्टल होते पाए जाते हैं। यानी अस्फटिक और ऑर्थोक्लेज के बड़े क्रिस्टल जो है रायोलाइट में पाए जाते हैं। इसका आपेक्षिक गुरुत्व जो देखते हैं 2.3 से 2.7 के मध्य होता है। अब अगला देखिए जो है प्यूमिस, यह अत्यंत सूक्ष्म रंध्रीय तथा सेलुलर चमकदार शैल है। यह सफेद रंग के स्लेटी तक होता है। यह भी जो देखते हैं प्यूमिस जो है वह भी एक आग्नेय ही शैल है। तो आपने देखा आग्नेय शैल में जो चट्टाने रॉक्स है उसके बारे में। अब आइए अब दूसरा जो है कि अवसादी शैल, अवसादी चट्टान।
तो अवसादी चट्टान को देखिए, अवसादी चट्टान जब देखते हैं, शैलों के अवसादी शैल के निर्माण जो होती है सागर में, नदी या झील के मुहाने पर अवसाद के निक्षेप से जो पर्त की निर्माण होती है उसे अवसादी शैल कहा जाता है। यह जो है कि वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई कण के निक्षेप से भी होता है, नदी के निक्षेप से भी होता है, इस शैल की निर्माण होती है। इसी प्रकार देखते हैं विभिन्न पर्त के होते हैं संभव, यह बहते हुए जल द्वारा निर्मित अवसादी शैल जो होती है बहुत बारीक कण वाली होती है तथा यह नीचे की ओर हमेशा धंसते रहती है, उसका पर्त जो होती है और कणों का आकार बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे ऊपर में बारीक कण होती है और नीचे में जो देखिएगा तो उसका जो होता है बड़े बड़े कण होते पाए जाते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर पूरे पृथ्वी पर देखिएगा तो 3/4 जो एरिया है वह अवसादी चट्टानों से ढकी हुई है। अगर पूरे अर्थ को जब हम लेते हैं तो उसका 3/4 पार्ट जो है अवसादी चट्टान से ढकी हुई है, मात्र 1/4 जो है वह अंध चट्टानों से ढकी पाई जाती है। इसी प्रकार देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे इसको प्रथम स्थान प्राप्त है। क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं वॉल्यूम में जो होता है कि अगर उस देखेंगे कि पृथ्वी का तो उसमें आग्नेय चट्टान आग्नेय शैल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन सरफेस के ऊपर जब उसकी एरिया जब निकालते हैं तो उसमें अवसादी शैल की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए सामान्य अवसादी शैल कोमल एवं प्रवेश होती है, यानी अवसादी शैल के ऊपर अगर जल रखते हैं तो वह रीस कर नीचे चला जाता है, जिसके कारण यह देखते हैं यह प्रीवियस होती है, इसमें जल सरलता से प्रवेश कर जाती है। जैसे हम लोग जिस सरफेस के ऊपर है अवसादी चट्टान के ऊपर है, इसके ऊपर भी क्या करते हैं पानी डालते हैं और वह रिसकर नीचे चला जाता है, तो क्या है कि वह बहुत इजी वे सरलता से जो है कि रिच के। लेकिन उसी में एक चिकली चीका मिट्टी वाली जो अवसादी शैल है वह एक अपवाद है, वह भी अपवाद अवसादी शैल ही है लेकिन उससे जल रिसकर नीचे नहीं जाती है। अब देखिए कि इसका उत्पत्ति जो होती इसके जो होती है पटल विरूपणी संचरण के फलस्वरूप क्षैतिज परते जब बलन हो जाती है तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाती है। कब मिलती है? क्योंकि अवसादी शैल निर्वात शैलों के अपरदल से प्राप्त, यानी जो देखते हैं अलग अलग जो शैल है अथवा फॉसिल्स जीव जंतु का अवशिष्ट है वह सभी के मिश्रण से, यानी आग्नेय शैल की जो क्षरण हुआ है और इस अर्थ सरफेस के ऊपर जितने जीव जंतु हैं दोनों के सम्मिश्रण से जो चट्टान की उत्पत्ति हुई है उसे कहा जाता है अवसादी चट्टान, जिसके कारण अवसादी चट्टान में फॉसिल्स की मात्रा अधिक होती है। फॉसिल्स की मात्रा अधिक होने के कारण ही यह चट्टान फर्टाइल होती है, जितने भी एग्रीकल्चर कार्य जो देखते हैं आप कृषि कार्य की जाती है यही अवसादी चट्टान वाली सरफेस पे, इसमें ज्वाइंट मिलता है, इसके अलग अलग बहुत जगह पे ज्वाइंट होती है, संधियां होती है। शैल में अवसादी शैलों का अपरदल यथा बहुत तेजी से होता है, यानी कि अन्य शैलों की अपेक्षा अवसादी शैल का अपरदल जो होती है बहुत तेजी से होती है। अब देखिए इसका अलग अलग प्रकार है, तो एक है संगुटिका सब, संगुटिका सब जो है रेत तथा विभिन्न आकार के गोल गुटिकाओं से निर्मित यह अवसादी शैल देखने में प्रतीत होती है। जैसे आप देखते हैं कि बारीक कल जो रेत होती है और रेत में आके क्या होता है बड़े बड़े जो बोल्डर क्ले होता है उसका निक्षेप उसमें आ जाती है, जैसे लगता है कि सीमेंट के घोल के ऊपर जैसे गिट्टी उट्टी कैसे बिसाते हैं तो उस प्रकार से वह लगने लगती है सीमेंटेड, तो वह संगुटिका सब जो है अवसादी चट्टान है जिसमें लगता है सीमेंट कंक्रीट मिलाकर बनाई गई है। तो यह देखते हैं यह गोल गुटिकाओं यानी गोल जो अलग अलग जो देखते हैं घर्षण से आके जो गोल गोल पत्थर जो हो जाता है वह आके निक्षेप और उसमें जो होती है बारीक जो रेट होता है उसमें जाके आके निक्षेप हो जाती है। तो इसमें जो होता है क्वार्टज की गुटिकाएं की
गुटिकाओं की, क्वार्टज जो होती है उसकी गुटिकाओं यानी गोलाश्म जो होती है उसकी प्रधानता होती है, बहुलता होती है। गुटिकाओं को यथास्थान स्थिर रखने में रेट जो है वह सीमेंट का कार्य करता है, यानी गुटिकाओं का जो है बोल्डर के लिए उसको जो होता है आगे बढ़ने रह देती है, उसमें फंसा के रोक लेती है। तो भली प्रकार वह सीमेंटेड लगता है, लगता है जैसे उसको क्या किया गया, सीमेंटेड कर दी गई है, इस प्रकार के वह देखने में लगती है। लेकिन इस प्रकार की सैलों को यानी गुटिकाशम जो सैल होती है उसको हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, ऐसे पकड़ के उसको आप तोड़ सकते हैं। दूसरा है जो बालुआ पत्थर, सैल्ड स्टोन, यह सैल्ड स्टोन भी जो देखते हैं अपसादी सैल है। सैल्ड स्टोन का भारत में जैसे खास करके देखिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ जो रचनात्मक इस प्रकार से देखते हैं, बहुत सारे साउथ इंडिया का जो टेम्पल्स है, दिल्ली का लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, तो यह सभी जो देखते हैं कि बालुआ पत्थर से निर्मित है। अब बालुआ पत्थर जो होता है वह अपसादी चट्टान है। बालुआ पत्थर किसी भी प्रकार की रेत का जो कण होता है, जैसे आप नदी में देखते हैं रेत का कण जो होती है उसमें अधिकांश बालू पत्थर एवं क्वार्टज के कणों से निर्मित होती है, यानी जो रेत का कण और क्वार्टज की कण के दोनों के मिलने से जो होता है बालुआ पत्थर की उत्पत्ति होती है। यह कण भी सीमेंटेड जैसा लगता है लेकिन मध्य में कुछ स्थान खाली रह जाती है बालुआ पत्थर में, यही कारण है कि बालुआ पत्थर एक पारगमय प्रवेश शैल होती है। बालुआ पत्थर को देखते हैं क्या है, प्रवेश शैल होती है, उसमें अगर पानी पड़ेगा तो वह रीस कर नीचे चला जाता है, वह पारगमय शैल है। बालुआ पत्थर जो होता है कठोर होता है, इसका रंग जो होता है श्वेत होता है, घूसर होता है, भूरा अथवा लाल होता है। लाल बालुआ पत्थर से ही देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन और लाल किला और पार्लियामेंट भवन की निर्माण की गई है। इसमें जो होता है सिलिका की मात्रा यानी क्वार्टज की मात्रा पाई जाती है बहुलता, और यह सीमेंटेड बालुआ पत्थर भी अस्थाई होती है, जैसे यह सीमेंटेड रूप में ही लगता है कुछ प्रकार से बनाई गई है। तो यह आपने देखा जो जब के होता है रेत और क्वार्टज के मिलने से होती है, तो वह बालुआ पत्थर को देखे। अब जो है लाइम स्टोन, चूला पत्थर, चूला पत्थर एक अपसादी शैल है, यह भी एक क्या है अपसादी शैल है, जो मुख्यतः कैल्साइट यानी कैल्शियम CaCO3 खनिज से बनी होती है। समुद्र में जो शैवाल होता है, मोलस्क होता है, प्रवाल है, क्लेम तथा मसल आदि जो जीव होती है उसमें के जो है जल में मिलने से यानी उसके खोल का जो है कि मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर होता है जो उस सब जीव जो होती पाई जाती है। और जब यह जीव मर जाता है तो उसका क्या होता है कि जब वह डिकम्पोज होकर चट्टान में निर्मित होती है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूला प्रधान लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखते हैं महाद्वीप के ऊपर जो सेल्फ में तली पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे आप देखते हैं जैसे सीप है, घोघा है, केकड़ा है, तो इस सब का जो देखते हैं स्केल्टल जो उसकी खोल होती है, बहुत सारी खोल को जैसे देखते हैं ना कि यहाँ पे जो है कि शंख के रूप में चाहे कुछ सजावट के, तो वह सब खोल का डिकम्पोज जब होती है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है, जिससे वह लाइम स्टोन में कन्वर्ट होती है। जैसे देखते हैं कोकबीला जीवाश्मीय चूला पत्थर का तथा प्रवाल मिट्टी, प्रवाल भी जो शैवाल जो देखते हैं तो शैवाल भी क्या है चूड़ा प्रधान, यानी कि वह जो है लाइव स्टोन से ही है। तो यह कैल्साइट किससे बनी होती है, इसमें अम्लीय परीक्षण के द्वारा इसकी सरलता पूर्वक पहचान की जा सकती है, यानी जो होती है कि उसको सरलता अम्ल के आधार पर उसको सरलता पूर्वक पहचाना जा सकता है लाइम स्टोन को। लाइम स्टोन के बाद देखिए चौक होता है खड़िया,
यह एक मुलायम और भूर भूरा शैल है जिसका संयोजक, जिसे खड़िया पे देखेगा कि नाखून से भी ऐसे मार सकते हैं, दाग हो जाता है इतना वह मुलायम होता है। चलिए इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कभी कभी इसमें चूना का सिलका के खोल भी मिले होते हैं जिसका रंग सफेद से गुलाबी लाल तक होता है। यानी खड़िया भी देखे तो यह भी क्या है, अवसादी चट्टान है। अगला देखिए लोएस, लोएस वायु जनित महीन पदार्थ होती है, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र से जो बारीक कण को हवा उड़ाकर लेकर आती है और कहीं पे निक्षेप कर देती है, वह निक्षेप से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको लोएस कहा जाता है। लोएस भी जो हुआ अपरदनात्मक शैल ही है, जैसे चायरा में देखते हैं बृहद क्षेत्र है लोएस का, जो मंगोलिया के मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई बारीक कण से निक्षेप से हुई है। अब इसको देखिए, इसका रंग जो होता है हल्का भूरा से लेके पीला रंग तक होता है। चाइला में जो पाई जाती है वह लोएस पीला रंग की होती है, जिसको येल्लो कलर के देखते हैं, जहां गेहूं का बहुत बृहद क्षेत्र में उत्पादन होती है। अब अगला देखिए सेल है, तो यह जो होता है फ्लश पर स्फटिक माइका तथा मिट्टी जैसे पदार्थों के संयोग से बना हुआ ठोस पदार्थ होता है सेल। सेल सर्वाधिक बहिर्वेदी शैल होता है, यह बहिर्वेदी ऊपर में शैल होता है, यह महीन दानेदार शैल होता है जिसको संस्तर के समानांतर बड़े टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। सेल को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, यह लाल पीले तथा काले रंग का भी हो सकता है। अब अगला देखिए क्या है, संकोनासम। संकोनासम जो देखते हैं यह सीमेंट के समान जमने वाले रेतीले पत्रों की गुटिकाओं से निर्मित होती है। जैसे सीमेंट जमती है उसी प्रकार जो देखते हैं रेत की जो बारीक पत्थर होती है वह जम के जब निर्मित होती है तो उसी को संकोनासम कहते हैं। गुटिकाएं किसी शैल अथवा विभिन्न शैलों के उत्खनन के मिश्रण को भी हो सकते हैं, जैसे रंग एवं तथा संरचना में इसकी भिन्नता होती है। यानी संकोलास्म जो होती है उसके रंग और संरचना में भिन्नता लिए हुए होता है। अब देखिए अगला जो है वह कायांत्रित चट्टान है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी जो रूपांतरण से होती है। अब रूपांतरित चट्टान को देखिए, तो रूपांतरित चट्टान किसका होता है, आग्नेय शैल का या अवसादी शैल का जब रूप परिवर्तन होता है तो उसको रूपांतरित शैल कहा जाता है। शैलों के रूप परिवर्तन दो मुख्य कारण है, जैसे एक ज्वालामुखी से निकला तप्त और लावा पृथ्वी के अभ्यंतर भीषण ताप एवं दाब के कारण, दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बलों से उत्पन्न संपीडन के कारण, यानी कंप्रेशन फोर्स जो होती है संपीडनात्मक बल के कारण होती है। इन दोनों के का फलस्वरूप अगले तथा अवसादी शैल जो होती है उसको भौतिक एवं रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण उसको रूपांतरित शैल कहा जाता है। ताप व संपीडन से मूल शैलों न केवल आकार बदलता है बल्कि उसके खनिज के भी रूप में परिवर्तन हो जाती है। यानी इसके कारण क्या है कि उसके आकार के साथ साथ उसमें जो खनिज है उसकी रूप में भी परिवर्तन हो जाती है। अब देखिए पहला जो है संगमरमर। संगमरमर जो होती है लाइम स्टोन का जब रूप परिवर्तन होता है, यानी लाइम स्टोन आपने देखा कि अवसादी चट्टान है और उसकी जब रूप परिवर्तन होती है तो संगमरमर यानी मार्बल में हो जाती है। संगमरमर चूला प्रधान चट्टान है जिसमें डोलोमाइट तथा उष्मा के दबाव के प्रभाव से उत्पन्न एक कायांत्रित शैल होता है। इसके मूल संगमरमर जब शुद्ध होता है, संगमरमर जब शुद्ध अवस्था में होती है तो वह सफेद रंग का होता है, परंतु अन्य कार्बोनेट पदार्थ जब उसमें मिलती है, डोलोमाइट तथा रेत अथवा मिट्टी के अशुद्ध तत्व जब उसमें मिल जाती है तो उसके रंग में परिवर्तन होने लगती है। जैसे देखते हैं काला संगमरमर का रंग जो होता है बिटुमिन तत्व के कारण होता है। जब लाइम स्टोन के साथ
बिटुमिन तत्व जब मिल के और उसकी रूप परिवर्तन होती है तो काला संगमरमर के रूप से परिणत हो जाती है, हरा संगमरमर जो होती है हॉट ब्लैंड और स्पर्टाइन के कारण, लाल संगमरमर लोह ऑक्साइड अयस्क के हेमेटाइट के कारण, भूरा संगमरमर लोह अयस्क लिमोनाइट के कारण होता है। जैसे देखते हैं कि भारत में मकराना का जो जोधपुर का प्रसिद्ध जो खान है संगमरमर का, वह सफेद और गुलाबी संगमरमर के लिए प्रचलित है। जोधपुर वाली जो देखते हैं, अजमेर में जो है वह खारवा खान जो अजमेर का है वह पीला तथा हरे संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रचलित है, जबकि जयपुर के खान से काले संगमरमर की आपूर्ति होती है। यानी काले संगमरमर कहाँ से, तो जयपुर की खानों से। जबलपुर के निकट की जो भेरा घाट संगमरमर है, भेरा घाट में जो डोलोमाइट संगमरमर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी जबलपुर के पास भी जो देखते हैं भेरा घाट, वहां डोलोमाइट संगमरमर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब दूसरा देखिए स्लेट है, स्लेट भी एक रूपांतरित शैल है। स्लेट का निर्माण शैल एवं अन्य मृणमय अवसादी शैलों के गतिशील क्षेत्रीय कायांतरण के कारण होती है। यानी स्लेट भी जो होती है वह क्या है, अवसादी चट्टान के रूप परिवर्तन से ही होती है। इनकी संरचना न तो जमादार और ना ही परतदार चमकीली होती है, परंतु विदलन से पूर्ण होती है। यह बृहत स्तर पर माइका अत्यंत सूक्ष्म टुकड़ों के साथ क्लोराइट तथा अस्फटिक की अल्प मात्राओं के संयोजन से निर्मित होता है। जैसे देखते हैं इनका रंग जो होती है स्लेटी से काले के मध्य होता है। गहरा रंग कार्बन तत्व तथा आयरन सल्फाइड की उपस्थिति के संकेत को इंडिकेट करता है। यानी आयरन के उपस्थिति को जो है कि गहरा रंग, और देखे अब अगला देखिए यह क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट एक दानेदार कायांतरित शैल होता है जो पुनर्क्रिस्टलीकृत बालुआ पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी क्वार्टजाइट जो देखते हैं वह क्या है, बालुआ पत्थर का जब रूप परिवर्तन होती है तो वह क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप देखते हैं राजगीर में, गया में, चाहे सतपुरा और विंध्याचल श्रेणी की जो शिलाएं पर्वत है वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या है कि सैंड स्टोन है, अब उसकी रूप परिवर्तन होके क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होने लगी है। तो यह देखें क्वार्टजाइट को बालुआ पत्थर से भिन्न करने की दो विधियाँ है। क्वार्टजाइट में अधिक खुला स्थान होता है तथा बालू के दोनों ओर से होकर टूटता है, यानी दोनों तरफ से बालू टूटकर और फैलने लगता है, जिसके कारण ऊपर चला जाता है, यानी नीचे ना आके वह ऊपर के तरफ रहता है। इसका रंग सफेद, स्लेटी, पीला और हरे से लाल रंग जैसा होता है। शुद्ध क्वार्टजाइट सफेद होता है, यानी शुद्ध क्वार्टजाइट जो होता है वह सफेद होता है, जबकि वह अशुद्धता से इसका भिन्न भिन्न कलर हो जाते परिणत हो जाती है। अब देखिए अगला जो है कि वह नाइस है। नाइस जो है कि यह भी जो है कि देखिए एक रूपांतरित चट्टान है जो ग्रेनाइट की रूप परिवर्तन होती है तो नाइस में कन्वर्ट होती है। यानी आग्नेय चट्टान के रूप परिवर्तन जो है कि वह नाइस, यह दानेदार क्रिस्टल शैल है। इसका विशिष्ट पत्तीदार स्वरूप है, इसकी सहज पहचान कराता है। इसके अनेक प्रकार है, जैसे हॉर्नब्लेंड नाइस, बायोटाइट नाइस, आगाइट नाइस, ग्रेनाइट नाइस तथा साइनाइट नाइस इत्यादि। यह सफेद, स्लेटी, भूरा तथा हरे से काले रंग तक की होती है। यह जो नाइस जो देखे यह भी रूपांतरित चट्टान है। सीस्ट भी जो देखते हैं कि यह रूपांतरित चट्टान है। यह एक अत्यधिक पर्णिल कायांतरित शैल है। इसका विभाजन सामान्य खनिज किए पर्निल अथवा पट्टियों में किया जा सकता है। इसकी संरचना विशेष रूप से देखते हैं तो वह पारदर्शी होती है, यानी कि जो सिस्ट जो होती है
वह पारदर्शी रूपांतरित चट्टान होता है। इसके खनिजीय संघटक इसके रंग का निर्धारण करते हैं, जिसमें माइका सिस्ट स्लेट से भूरा, क्लोराइट सिस्ट हरा, हार्नब्लेंड सिस्ट हरे से काला, टॉक सिस्ट हल्का सफेद से हल्का हरा अथवा स्लेटी हो सकता है।